रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तहसील डांडा के ग्राम धीरज नगर में राशन विक्रेता खुले आम कालाबाजारी कर रही थी, जिसका नाम डांडवादी पति रिंकू और हरिकिशन पुत्र प्रीतम ग्राम धीरज नगर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान चला रहे थे, जो कि भ्रष्टाचारी कालाबाजारी करते समय आज सुबह लगभग 4 बजे फिरासत पुत्र वाजिद को मौके पर ग्राम वासियों ने राशन के साथ पकड़ लिया और टांडा थाना अध्यक्ष को सूचना दी। फिर उसके बाद तहसील टांडा SDM को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर माल को बरामद कर लिया गया है। पूछताछ करने पर पहले 4 बार माल ले चुका था, 5वीं बार में पकड़ा गया। तुरंत अधिकारियों ने विवेचना की, जिसमें 3 कट्टे गेहूँ थे, काफी समय पहले से भ्रष्टाचारी दुकान पर चल रही थी। वहाँ के ग्राम वासियों का कहना है कि वह फिंगर लगवा लेता है और दुकान के चक्कर लगवाता रहता है, परेशान भी करता है, जो कि दुकान दिन में 3 दिन खुलती है और सारे दिन बंद रहती है। काफी समय में ग्रामवासी काफी परेशान भी हैं, कई बार एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, क्योंकि स्वयं पुलिस ने मौके से राशन को बरामद किया है। अब देखना यह होगा कि ऐसे भ्रष्ट राशन डीलर और उनके साथियों पर प्रशासन की क्या कार्रवाई की जाती है। नमस्कार, मैं हूं सतवीर सागर, आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश के रामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है कि टांडा क्षेत्र में धीरज नगर ग्राम पंचायत में कोटा डीलर कालाबाजारी करते समय रात को ग्रामीण लोगों ने टांडा पुलिस को सूचित किया। टांडा पुलिस ने भी कोटा डीलर को रंगे हाथ पकड़ा, जो कि कोटा डीलर राशन की कालाबाजारी कर रहा था। कई बार वहां देख रखा था कि यहां पे कोटा डीलर राशन की कालाबाजारी करता है, जिसको लेकर आज मौके पर ग्रामीण लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा कोटा डीलर को और वहीं पुलिस को सूचित कर दिया, तो टांडा पुलिस वहां पे मौके पे पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। संवाददाता सत्यवीर सागर की रिपोर्ट। धीरज नगर में आरती स्वयं सहायता के नाम से दुकान चल रही है, जिसमें कि दानवती स्वयं कालाबाजारी करा रही है और उनका सहयोगी हरकिशन पुत्र प्रीतम सिंह भ्रष्टाचारी से दबंगाई से पर्ची फिंगर लगाते हैं और माल नहीं देते। इस प्रकार कई कार्ड धारक राशन को लेने के लिए राशन लीजिए भी खत्म हो गया, कम आया है। उसके तुरंत 3 बजे से कालाबाजारी चल रही थी, मोटरबाइकों पर गाड़ी जा रही थी और कट्टे जा रहे थे, तो वैसे ही मुझे सूचना मिली, वैसे ही ग्राम वासियों ने माल पकड़ा और माल को स्वयं पकड़ लिया और 3 कट्टे जो कि 70 किलो प्रत्येक कट्टे माल है। तुरंत हमने आइटम साहब को अवगत कराया, कोतवाल साहब को अवगत कराया, थाना टांडा, तहसील टांडा, फिर उसे तुरंत अधिकारियों ने माल को दबोचा और माल को बरामद किया, तुरंत ले गए। अब उसके बाद देखते हैं प्रशासन क्या कार्रवाई करता है इसके साथ में।